हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें आप अपने दादाजी को पास्ट में जाकर मारते। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। यदि हम इस टॉपिक को फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ेंगे तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, तब भी यह शायद आपको समझ ना आए। यदि आप इसे कैलकुलेशन से पढ़ना चाहते हो देन सॉरी, आप जा सकते हो। और आप इसे बिना किसी मैथ्स के आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ना चाहते हो, रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, टाइम ट्रेवल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रोचक विषय रहा है। और टाइम ट्रेवल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से, जिन्होंने हमें यह बताया था कि टाइम असल में एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि यह रिलेटिव होता है। आपके मन में कभी ना कभी तो यह ख्याल जरूर आया होगा कि कितना अच्छा होता कि आप टाइम ट्रेवल कर पाते और आपने जो भी गलती की है उसे ठीक कर पाते, या आप समय में पीछे जाकर ताजमहल को अपनी आंखों से बनता हुआ देख पाते, या फिर अपने भविष्य में जाकर यह देख पाते कि 100 साल बाद हमारी धरती कैसी होगी। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से ट्रेवल करेगा तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। मान लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ एक ट्रेन है जो कि करीब 240,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और आप उस ट्रेन के अंदर हो, तो ऐसे में आपके लिए समय धीमा गुजरेगा और जो लोग ट्रेन के बाहर हैं उनके लिए समय सही बीतेगा। इसका मतलब है कि आप जब तक उस ट्रेन में एक घंटा गुजारेंगे तब तक बाहर कई साल गुजर चुके होंगे और ट्रेन से बाहर निकलते ही आप अपने आप को भविष्य में देखेंगे। मतलब कि आप टाइम ट्रेवल करके अपने भविष्य में पहुंच गए हो। यानी कि एक बात तो साइंस को भी कन्फर्म है कि भविष्य में यात्रा करना संभव है, पर क्या हम अपने भूतकाल में समय यात्रा कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अगर हम समय यात्रा करके अपने भविष्य में जा सकते हैं तो हम अपने अतीत में भी समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, भविष्य में यात्रा करना आसान है, पर जब हम अपने पास्ट में जाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे पैराडॉक्स आते हैं, क्योंकि भविष्य में जो होना है वो तो होगा ही, पर जब आप अपने पास्ट में जाकर किसी घटना से छेड़खानी करें और सब कुछ बदल दे तब तो समस्या होगी ही ना। मान लीजिए आप किसी कारण से अपने दादाजी के पास्ट को मानना चाहते हैं, क्योंकि आप यह नहीं चाहते हैं कि भविष्य में वे आपके पिता को पैदा करें और फिर आप इस धरती पर आओ, और इसके लिए आप एक टाइम मशीन बनाने में सफल हो गए और भूतकाल में गए। अब आप उस समय में गए जब आपके दादाजी करीब 15 साल के थे, यानी कि जब आपके दादाजी की शादी नहीं हुई थी। आप उस समय में गए और अपने दादाजी को गोली मार दी, पर क्या अब आप जानते कि क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपके दादाजी मर जाएंगे। पर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, दरअसल यहाँ से तो कहानी स्टार्ट होती है। आपके दादाजी से आपके पिताजी आए और आपके पिताजी ने आपको पैदा किया और आपने समय यात्रा करके अपने दादाजी को ही गोली मार दी। तो अगर आपने अपने दादाजी को ही गोली मार दी तो आपका अस्तित्व भी नहीं होगा, क्योंकि आपके दादाजी ने ही आपके पिताजी को पैदा किया था। और जब दादाजी ही नहीं होंगे तो आपके पिताजी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, और अगर पिताजी ही नहीं है तो आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। पर जरा रुकिए, अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो वो कौन था जिसने समय में पीछे जाकर आपके दादाजी को गोली मार दी? क्या वो आप ही थे? अगर हाँ, तो दादाजी को मारने के बाद आपका अस्तित्व मिट गया था, तो फिर वो व्यक्ति आप कैसे हो सकते हो? दोस्तों, जिस तरह इस वक्त आपका दिमाग चकरा रहा है उसी तरह वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकरा गया था जब यह पैराडॉक्स उनके सामने आया था। असल में यह पैराडॉक्स अतीत में समय यात्रा करने की कल्पना के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, और आज तक इस पैराडॉक्स का कोई भी सही रूप से उत्तर नहीं दे पाया है। और इसलिए कई वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि शायद अतीत में समय यात्रा करना संभव ही नहीं है। मजाक चल रहा है? अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है, और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के पास इसका जवाब जरूर है, और हमारे महान वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जिससे ऐसे सवालों का जवाब पाना चुटकियों का काम है। आपको पता है कि टाइम का फ्लो लीनियर है, यानी कि पास्ट के बाद प्रेजेंट आता है और प्रेजेंट के बाद आपको पता है फ्यूचर। और जब आप टाइम ट्रेवल करके जाओगे तो आप सर्कुलर लूप में आ जाओगे या कोई दूसरी टाइमलाइन क्रिएट कर लोगे और अपनी हिस्ट्री की कोई कॉपी वाले यूनिवर्स में होंगे, और आप अपने ग्रैंडफादर को दूसरे यूनिवर्स में जाकर मारोगे, और आप फिर जब जब भी पास्ट में जाते जाओगे तब तब आप दूसरी टाइमलाइन खोलते जाओगे, और जब आप उस टाइमलाइन को ख़त्म कर दोगे तब आप भी कभी वापस नहीं आ सकते, यानी कि आप टाइम की लूप में फंस जाओगे और आपका फिर फ्यूचर में आना नामुमकिन होगा। लेकिन आप तो फ्यूचर में जिंदा हो तो आप मर भी नहीं सकते, जैसे कि डार्क सीजन 3 में होता है। इसमें बताया गया है कि यदि आपका फ्यूचर जिंदा है तो आप पास्ट में मर नहीं सकते,
आप वर्तमान में मरने की कितनी भी कोशिश करें, आप मर नहीं सकते, क्योंकि इस यूनिवर्स में आपकी टाइमलाइन अभी बाकी है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। जैसा कि वन मिनट टाइम मशीन में होता है, जिसमें जेम्स नाम का लड़का एक ब्यूटीफुल गर्ल रेजिना को प्रपोज करता है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है, पर वो बार बार टाइम मशीन से पास्ट में जाकर उसे प्रपोज करता रहता है और वो किसी न किसी कारण से उसे रिजेक्ट कर रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों का फ्यूचर किसी भी टाइमलाइन में बना ही नहीं है। और एक ऐसी मूवी है जिसमें एक लड़का पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंट होने से बचाता है, लेकिन वो कई कोशिश कर लेता है पर उसे बचा नहीं पाता है। और अंत में वो ऐसा सोचता है कि वो एक्सीडेंट वाले समय पर 5 मिनट पहले पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करेगा, और वो बहुत फास्ट बाइक चलाता है, और फिर ऐसे में उससे ही एक एक्सीडेंट हो जाता है, और वह जिसका एक्सीडेंट करता है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही होती है। इस प्रकार दोस्तों, यदि समय यात्रा संभव भी हुई तो इंसान अपने पास्ट में कभी बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि वह जैसा चाहता है वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई होप दोस्तों यह बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और यह वीडियो आपको बाकी वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं अगली बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।